हेलो स्टूडेंट्स इन दिस नेटवर्क सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है For the ladder network, find driving point impedance. तो देखो अभी उन्होंने क्या फंक्शन चाहिए वो नहीं है एट टर्मिनल वन वन डैश तो ये टर्मिनल वन वन डैश है विध टू टू डैश ओपन दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट ड्राइविंग इम्पीडेंस इज नथिंग बट वोल्टेज बाय करंट सो V1 वन बाय आई सो V1 वन बाय आई आपको फाइंड आउट करने का है विद टर्मिनल टू टू डैश ओपन इसका क्या मीनिंग है तो सेकंड पोर्ट को उन्होंने ओपन किया है एंड I2 इज इक्वल टू 0 सो दैट इज करेक्ट तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो पहले आपको नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा देन यू हैव टू असाइन वोल्टेजेस एंड करंट एंड देन यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस नेटवर्क फ्रॉम दिस एंड चलो तो पहले ट्रांसफॉर्म सर्किट लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म सर्किट कैसे आएगा तो so, जिधर भी वन ओम है there you will get just one. और देर हेनरी जिधर भी है और के के है, so that will be one by S. तो ये मैं ये मैं इधर कर देता सब one हो इंडक्टर को आपको एस करके डिनोट करना पड़ेगा और कैपेसिटर सिंस वो वन फेर का था ये सब वन बाय हो जाएंगे तो नेटवर्क तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है

तो पहले हम लोग VC के बारे में लिखेंगे सो इलेक्ट्रिकल एंड दिस पॉइंट आर इज नथिंग बट नेक्स्ट वी टू राइट डाउन अबाउट ने एक वोल्टेज एक करंट एक वोल्टेज एक करंट ऐसे करते करते हम लोग इधर तक पहुंच जाएंगे अभी आईबी आईबी कैसे लिखेंगे तो आई इधर तक आएगा एंड देन इट विल गेट स्प्लिटेड इन टू टू पार्ट बट ये जो राइट वाला पार्ट है इधर जाने वाला करंट उन्होंने जीरो दिया बिकॉज पोर्ट टू ओपन सर्किटेड है सो एंटायर आईबी विल फ्लो थ्रू दिस वन आई so, बी का क्या वैल्यू हो जाएगा सो वी सी डिवाइड बाय वन बाय एस सो दट एस टाइम्स वी सी और वी सी का वैल्यू है वी टू सो आई बी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया नेक्स्ट डाउन अबाउट वी बी सो वी बी कैसे लिखते हैं वी बी इज but बी इन टू impedance, so सो आई बी अभी तक जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में उसमें इधर एक ही इम्पीडेंस रहता था अभी उन्होंने दो इंपीडेंसिस दिया बट दैट शुड नॉट मैटर लॉट दोनों इंपीडेंस सीरीज में कनेक्टेड है सो दैट विल बिकम एस प्लस वन सो आई बी इंटू एस प्लस वन प्लस नेक्स्ट नोडल वोल्टेज दैट इज नथिंग बट वीसी अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर नंबर 62 रिफर कर सकते हैं जिधर मैंने एनालिसिस ऑफ लैडर नेटवर्क एक्सप्लेन किया है So, अभी तक हम तक Vb पहुंच गए अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा सो so, यू S S IB को substitute कर दिया and Vc is nothing but V2। so, ये हो जाएगा S square plus S plus 1 V2. So, VB मैंने फाइंड आउट कर लिया है नेक्स्ट हैव टू राइट डाउन अबाउट दिस करंट दई ए सो आई ए कैसे लिखेंगे सो आई एट दिस जंक्शन एंड इट विल गेट get इन टू टू पार्ट सो आई ए के बारे में लिखते समय लिखने का वी बी बाई वन बाई एस डेट इज दार्ट ऑफ अ डाउन वर्ड करंट ऑफ आई ए प्लस राइट वर्ड करंट है आपका आई बी सो दिस इज नाइम्स वी बी प्लस आई बी अभी वी बी और आई बी को सबसे कर दो सो वी बी है आपका ए स्क्वायर प्लस एस प्लस वन सो इधर आ जाएगा एस क्यूब प्लस एस एस स्क्वायर प्लस एस इंटू वी टू और आई बी है आपका एस टाइम्स वी टू तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं एंड दिस विल बिकम एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस टू एस इंटू वी टू ये हम लोग ने आई ए फाइंड आउट कर लिया है चलो एक वोल्टेज एक करंट एक वोल्टेज एक करंट इधर पहुंच गए नेक्स्ट टू राइट वी ए सो वी ए कैसे लिखोगे सो दिस इंपीडेंस नेक्स्ट नोडल वोल्टेज सो दैट इज नथिंग बट वी बी आई ए अभी फाइंड आउट कर लिया है सो दिस विल बिकम एस प्लस वन ये मैं पहले लिख रहा हूँ और IA अभी इधर लिख रहा हूँ ये अभी आपको पॉलिनामियल सॉल्व करने को आना चाहिए हा और वी बी का वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन वी टू तो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं दिस विल स्कोय प्लस थ्री एस प्लस वन वी टू आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं टू सेव द टाइम आई हैव डायरेक्टली मेंशन दैट थिंग ये आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बाद में ऐड करना पड़ेगा सो so ए तो फाइंड आउट कर लिया है नेक्स्ट अभी आपको आई वन फाइंड आउट करने का है आप आई वन अराज एट डिसल आर्म में से जाने वाला करंट रहेगा इधर मिल गया था उसको एस से बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दिसकॉम ए सर एस टू फाइव टू एसरेस टू फोर प्लस फोर एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वास ये वी ए वन एस आ गया है प्लस आई ए आई ए तो इधर मिला था तो दाइटिंग तो ओवर एस क्यूब प्लस एस स्क्स टू एस और वी टू मैंने कॉमन ले लिया है ये एट ए स्ट्रेच मैंने सॉल्व किया है आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखिए नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस है सो तो इधर आपको मिल जाएगा एस रेस टू फाइव प्लस ये हो जाएगा टू एस रेस टू फोर प्लस ये फोर प्लस वन ये हो जाएगा फाइव एस क्यूब थ्री प्लस वन ये हो जाएगा फोर एस स्क्वायर प्लस थ्री एस दू वी टू सो आपने आई वन फाइंड आउट कर लिया एंड नाउ द लास्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट अबाउट वी वन सो वी वन के बारे में कैसे लिखोगे आप सो वी वन इज इक्वल टू आपको ये वोल्टेज ड्रॉप लिखना पड़ेगा एंड दैट इज नथिंग बट ए प्लस वन आई वन प्लस नेक्स्ट नोडल वोल्टेज दैट इज नथिंग बट वी ए बेसिकली हम लोग ये आम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काउंट करते हैं प्लस नेक्स्ट नोडल वोल्टेज सो यू हैव टू सॉल्व दिस और देखो आई वन ये इतना बड़ा है मैं इधर लिख देता हूँ एसर एस टू फाइव प्लस टू एसर एस टू फोर फाइव एस प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस थ्री एस इंटू वी टू और फिर वी ए इट सेल्फ इज अगेन बिग क्वानिटी एस रेस टू फोर प्लस टू एस क्यूब प्लस फोर एस स्क्र प्लस थ्री एस प्लस वन वी टू तो इसको आप सोल्व कर दीजिए तो आपको मिलेगा ओवर इन्होंने ये सॉल्व कर दिया है एंड वॉट यू विल गेट वी वन एच एस रेस टू सिक्स प्लस थ्री एस रेस टू फाइव प्लस एट एस रेस टू फोर प्लस इलेवन एस क्यूब प्लस इलेवन एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस वन वी टू तो ये तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया प्रॉब्लम क्या दिया है प्रॉब्लम दिया है कि ड्राइविंग का है. है तो तो अपने पास और इधर ये I1 भी है सो वी वन बाय आई वन आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं सो वेन यू डिवाइड वी वन बाई आई वन बेसिकली दिस वी टू विल गेट कैंसर एंड यू विल गेट आंसर एज न्यूमरेटर में तो ये टर्म आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री फाइव एट एस रेस टू फोर प्लस इलेवन एस क्यू प्लस इलेवन एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस वन डिवाइड बाय ये आई वन के टर्म्स सब आ जाएंगे इधर बट अफकोर्स वी टू नहीं रहेगा एस रेस टू फाइव तो so, हम लोग ने ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस ये सर्किट का फाइंड आउट कर लिया है एंड वी आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एस और एस इज नथिंग बट ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम लोग ने इसको एक्सप्रेस कर दिया है थैंक यू